بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. dear listeners and students, आज हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 47 है. इसमें हमारा टॉपिक है जुबानी या दो तरफा अबलाग की महारत के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑरल और टू वे कम्युनिकेशन. इनको हम कम्युनिकेशन स्किल, इनको हम सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. जुबानी अबला की महारत या दो तरफा कम्युनिकेशन से मुराद ऐसे कम्युनिकेशन है जिसमें अल्फाज की बोलचाल यानी स्पीकिंग के जरिए अदायगी और दूसरी तरफ अल्फाज या पैगाम की सुनने यानी लिसनिंग के जरिए वसूली है. यानी दो तरफा कम्युनिकेशन में बोलचाल और सुनना शामिल है, स्पीकिंग और लिसनिंग शामिल है. दूसरे अल्फाज में जुबानी पैगाम की तरसील और वसूली को दो तरफा कम्युनिकेशन कहते हैं. जुबानी या दो तरफा अबलाग में महारत के असूल आपके सामने आज हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास सामने आपके सामने मौजूद हैं कि ये दो तरफा कम्युनिकेशन में इनके कौन कौन से असूल हैं, जुबानी या दो तरफा अबलाग की महारत के असूल. अब देखिए आपके सामने स्लाइड पे चंद असूल लिखे हैं, इनको हम सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. पहले नंबर पर हमारे पास है पैगाम मुकम्मल हो, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑरल या टू वे कम्युनिकेशन स्किल्स में, और यू कैन से सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन. तो पहला पॉइंट कम्प्लीटनेस. सेवन सीज इसलिए कहते हैं कि ये सारे पॉइंट ही आपके पास इंग्लिश में सी से शुरू हो रहे हैं. तो पहला पॉइंट हमारे पास कम्प्लीटनेस, पैगाम मुकम्मल हो. जब भी आप कोई पैगाम तरसील करें तो उसकी जामईयत पर नज़र डालें कि जो पैगाम आपने गुफ्तगू के जरिए दूसरे अफराद तक पहुँचाना है वो मुकम्मल अंदाज में पहुँच गया है कि नहीं. इसके लिए चंद रहनुमाई के नुकात हैं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ. पहला पॉइंट है इसमें कि पैगाम मुकम्मल होने के लिए कि आप ये पॉइंट जहन में रखिएगा. नंबर वन, आपने तमाम सवाल जो करने हैं उनके जवाब वसूल कर लिए हैं. नंबर टू, जब ज़रूरत महसूस हो तो कुछ अजाफी जवाब भी वसूल कर लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि पैगाम सही अंदाज में तरसील हो चुका है. नंबर थ्री है कि पाँच डब्ल्यू चेक कर लें. पाँच डब्ल्यू, फाइव डब्ल्यूज, आपको पैगाम के मुकम्मल होने की यकीन दानी हो जाएगी. और ये पाँच डब्ल्यू क्या है? पहले नंबर पर कौन, हु यानी पैगाम देने और वसूल करने वाले अफराद कौन से हैं, यानी वसूल करने वाला रिसीवर और अरसाल करने वाला पैगाम सेंडर, यानी सेंडर और रिसीवर कौन हैं, हु, डब्ल्यू एच ओ हु, पहला डब्ल्यू. दूसरा डब्ल्यू है व्हाट, क्या, क्या पैगाम देना है यानी पैगाम क्या है. नंबर थ्री है इसमें फाइव डब्ल्यूज में, पहला हु डब्ल्यू एच ओ, दूसरा व्हाट डब्ल्यू एच ए टी, तीसरा वेयर कहाँ यानी पैगाम कहाँ पहुँचाना है यानी जगह कौन सी है जहाँ पैगाम पहुँचाना है. और नेक्स्ट है इसमें नंबर फोर डब्ल्यू में, पांच डब्ल्यू में चौथे नंबर पर व्हेन, कब, कब पैगाम देना है यानी वक़्त का तयन करना. और नंबर फाइव डब्ल्यू है वाई, क्यों, और क्यों पैगाम देना है यानी मकसद क्या है पैगाम देने का. दोबारा सुनिए, पाँच डब्ल्यू कौन कौन से हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड वाई. उसके बाद दूसरे नंबर पर सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन या दो तरफा अबलाग की महारत के असूलों में है कंसाइजनेस, पैगाम मुख्तसर हो. मुख्तसर पैगाम से दोनों अफराद यानी पैगाम रसान सेंडर और रिसीवर के मुख्तलिफ पैगाम के मुख्तसर पैगाम का मतलब है. दोबारा सुनिए, मुख्तसर, मुख्तसर पैगाम से दोनों अफराद यानी सेंडर और रिसीवर के मुख्तसर पैगाम का मतलब है के चंद मुमकिन अल्फाज में पैगाम को तरसील करना, लेकिन इसमें सिर्फ चंद गैर ज़रूरी अल्फाज निकाल दें और ज़रूरी ख्यालात को मौजूद रहने दें. इस मकसद के लिए आपके लिए ये चंद तजावीज़ काबिल गौर हैं. नंबर वन, सिर्फ मुतल्लका बयानात शामिल करें यानी रेलेवेंट स्टेटमेंट्स शामिल करें, इररेलेवेंट निकाल दें. नंबर टू, गैर ज़रूरी अल्फाज को बार बार इस्तेमाल ना करें. और नंबर थ्री, अल्फाज में तासुरात को बयान ना करें. उसके बाद तीसरी हमारे पास सेवन सीज में है जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग है या दो तरफा अबलाग की महारत के असूल हैं, कंसीडरेशन, तवज्जो हासिल करना. दो तरफा कम्युनिकेशन का एक असूल ये है कि इसमें जब भी पैगाम की तरसील करें तो अपने आप को रिसीवर की जगह पर रखें, यानी पैगाम को वसूल करने वाले की जगह पर रखें. वसूल करने वाले की ख्वाहिशात, मसाइल, हालात, जज्बात और मुतवक्के रद्देअमल का जायज़ा लें. इस तरह आप उसकी तवज्जो हासिल करने के काबिल हो सकेंगे. तवज्जो हासिल करने के लिए चंद इक़दामात इख्तियार करें, मैं आपके सामने रखता हूँ अभी. नंबर वन,
वसूल कुनिंदा को यानी पैगाम के वसूल करने वाले को मैं और हम की बजाय आप कहकर मुखातब करें। इस तरह आपका उससे बिला वास्ता यानी डायरेक्ट राबता हो जाएगा। नंबर टू, रीडर के मफाद और दिलचस्पी का इजहार करेंगे तो वो मुतवज्जे होगा। नंबर थ्री, मुस्बत और खुशगवार हकायक पर जोर डालें। नंबर फोर, इतिहाद और अखलाक का मुजाहरा करें। उसके बाद है हमारे पास चौथे नंबर पर कंक्रीटनेस, जुबानी या दो तरफा अबलाग की महारत के असूलों में कंक्रीटनेस, मालूमात में जामियत पैदा करें। इस असूल से मुराद ये है कि मालूमात मखसूस, दुरुस्त और नुमाया हों और भद्दी और आम ना हों, ताकि दोनों अतराफ से तरसील और वसूली में कोई शक ना रहे। जामे और कायल करने वाला पैगाम पहुंचाने के लिए चंद रहनुमाई के नुकात को मद्देनजर रखें। मसलन, नंबर वन, मखसूस हकायक और अदाद व शुमार इस्तेमाल करें। नंबर टू, फेल यानी वर्ब पर तवज्जो मरकूज रखें। नंबर थ्री, नुमाया यानी विविड और ख्यालात पर अमल करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करें तो आपके पैगाम में जामियत पैदा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नंबर फाइव पे सफाई, वजाहत या क्लैरिटी। इस असूल को मद्देनजर रखने से पैगाम को दुरुस्त और वाजे अंदाज में वसूल कुनिंदा तक पहुंचाया जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा फर्द उनका कोई दूसरा मतलब भी ले सकता है, क्योंकि इनफरादी तजर्बात एक दूसरे से मुशाबहत नहीं रखते और मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए अल्फाज के मुताबिक भी मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ मफहूम रखते हैं। आपके पैगाम को वाजे करने के लिए चंद मखसूस तरीके अब आपको बताते हैं। इन पर तवज्जो देने से आप अपने पैगाम को वाजे कर सकते हैं। मसलन, मुख्तसर, जाने पहचाने और आम बोलचाल वाले अल्फाज का इस्तेमाल करें। नंबर टू, मौसर फिकरात और पैराग्राफ बनाएं। नंबर थ्री, मुनासिब अल्फाज जो पढ़े और सुने जा सकें उनका इस्तेमाल करें। और नंबर फोर, जब ज़रूरत महसूस हो तो मिसालें दें और अमदादी बसरी जराए यानी विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करें। चार्ट्स हैं या फोटोज़ हैं या पिक्स हैं या मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके अपने पैगाम को, अपने मालूमात को, अपने जो आपने शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन, उनमें क्लैरिटी ला सकते हैं। नंबर सिक्स में हमारे पास सेवन सीज में कर्टसी, शाइस्तगी। शाइस्ता पैगामात मौजूदा दौर के कारोबारी राबता को मजबूत करने में मदद देते हैं और इस असूल से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने के लिए ये तजावीज़ कम्युनिकेशन के लहजा के इस्तेमाल के लिए पेश की जाती हैं। मसलन, नंबर वन पे है, आपको मुखलिस, पुरमगज, माहिर और कदरों कीमत वाला होना चाहिए। नंबर टू, गुस्सा और नाराज़गी के तासुरात को ख़त्म करें। नंबर थ्री, कुदरती तौर पर माजरत खाना तरीका अपनाना चाहिए और सख्त लहजा नहीं होना चाहिए। नंबर सेवन पर है सेवन सीज में या दो तरफा अबला की महारत के असूलों में, जिसे आपके पास है करेक्टनेस, दुरुस्तगी, करेक्टनेस, दुरुस्तगी। दो तरफा कम्युनिकेशन में ये हमारा असूल दुरुस्तगी का है, यानी मुनासब ग्रामर, आराब, पंक्चुएशन और हिज्जे यानी स्पेलिंग्स इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात पैगाम मुकम्मल तौर पर ग्रामर वगैरह के लिहाज से दुरुस्त होता है लेकिन फिर भी मकसद हासिल नहीं कर पाता। कारोबारी पैगाम की तरसील के लिए एक राइटर को चाहिए कि जुबान का अंदाज दुरुस्त इस्तेमाल करे यानी दुरुस्त लैंग्वेज हो, अदाद व शुमार, हकायक और अल्फाज की दुरुस्तगी को चेक करे, काबिल कबूल तहरीर वजा करे और मुवाफक तासुरात का इंतखाब करें। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।